السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? खैर ऑफिस से ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई हमारी होम बैक की जो जर्नी है वापस स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो जहाज वगैरह, और हम लोग अभी जा रहे हैं इमिग्रेशन वगैरह पे। इमिग्रेशन वगैरह अपना करेंगे, सामान शामान हम लोगों ने ले लिए, दोस्त वगैरह मेरे साथ हैं। तो अल्लाह करे बहुत अच्छा हमारा सफर गुजरे इंशाल्लाह। बाकी साथ रहें और लाजमी लाइक फॉलो सब्सक्राइब वगैरह लाजमी करना है, ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्क वगैरह पे, बस जाना है इमिग्रेशन वगैरह कराना है हम लोगों ने। मेरे बैग बस जाने लगे हैं, हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है, बस अभी हम लोग जाएंगे अपने गेट की तरफ, इमिग्रेशन वगैरह कराएंगे और फ्लाइट की तरफ जाएंगे। मेरा सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चला गया। मैं बहुत परेशान था कि शायद ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारा सामान चला गया और वेट बहुत कम निकला। थोड़ी मोड़ी खत्म करके सब कुछ करके अभी मैं आया हूँ ड्यूटी फ्री में। हाँ से मैंने परफ्यूम लेनी अब्बू के लिए, मैं परफ्यूम ढूंढ रहा हूँ अब्बू के लिए, कोई अच्छी सी परफ्यूम देखते हैं। अब बहुत सारे परफ्यूम है, देखते हैं कौन सी पसंद आती है। ये मुझे मिल गई अब्बू के लिए परफ्यूम, अभी जाके उसके पेमेंट कर। परफ्यूम थी जो मुझे पसंद आई, लेकिन अब्बू को यही पसंद है तो मैंने इसलिए अब्बू के लिए यही खरीदी। तो मैंने खरीद ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। या ये देखो आइसक्रीम की दुकान पर है, चॉकलेट कोई कुछ ना कुछ तो लेते हैं अभी फिलहाल से। यही भाई आइसक्रीम मेरी जो लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोगों ने इमिग्रेशन फिनिश के लिए अब आखिरी काम है सिर्फ गेट की तरफ जाना है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, नमाज पढ़नी है भाई, क्योंकि सफ़र एक तो हमारा है और जोहर का वक्त हो चुका है, असर हम मिला के पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग जहाज़ में जाएंगे। तो यार फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में। काफ़ी लेट हो गया था, एक और परफ्यूम खरीदने चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। वो रहा हमारा कतर वेज का जहाज़ खड़ा, क्या खूबसूरत वेदर हुआ, बारिश का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार अल्लाह के बहुत अच्छा सफर गुजरे, 6 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, फिर हम लोग कतर पहुंच जाएंगे। जहाज में आ चुके हैं, बहुत खूबसूरत वेदर। Five hours later. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कतर पहुंच गए, अभी बाहर निकल रहे हैं। ओए होए हम लोग फाइनली जा रहे हैं, बसेस खड़ी हैं। ओ भाई गर्मी इधर बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। ओ भाई बस उधर के अभी हम जा रहे हैं अराइवल्स में, आगे चलते हैं। ओ गर्मी बहुत थक गए हैं यार सफर में। अच्छा जी यार उत्तर की सबसे पहले मैं गया बाथरूम में, समझ रहे हो, समझ रहा मुँह हाथ धोया फ्रेश वगैरह का, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि यार भाई जहाज में पता नहीं क्या शक्ल बनी हुई थी। मैं कहा चलो मुंह धो लो, बाल शाल सेट कर लो, कि घर में जा रहे हैं, घर वाले देखेंगे तो था कि थोड़ा अच्छा लगे। खैर अभी यहाँ पर लिखा हुआ है बैगेज क्लेम एरिया, हमने यहाँ से जाना है नीचे और फिर हमारी इमिग्रेशन में चेक इन कहते हैं, चेकआउट होगा खैर जो भी है, उसके बाद हम इंशाल्लाह बैग लेके घर जाएंगे। पूरी फैमिली आई हुई है मुझे रिसीव करने के लिए। वाह हमारे कथा का भाई जो एयरपोर्ट का मार्क है ना वही है, यहाँ सब नीचे उतरेंगे, हम अपना चेक इन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चेकआउट चेक इन कर लिया, हम आए ट्रॉली लेंगे, ट्रॉली और हमारे पीछे बेल्ट स्टार्ट है, बैग आ चुके हैं मेरे। अल्लाह पहले अपना सामान शामान रखते हैं और जाते सामान उठाते हैं। ये मेरा पहला बैग आ गया हुआ है, उठाओ जल्दी से रखो। अब दूसरा बैग भी इधर ही पीछे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैग्स वगैरह उठा लिए, अभी यहाँ पर कुछ सामान खरीदना ड्यूटी फ्री से, फिर निकलते हैं बाहर। फाइनली मैं कतर में आ चुका हूँ, गाड़ी भी मेरी आ गई, ये रही गाड़ी अब्दुल मजीद लोग जाएंगे अभी। कैसे कर रहे अब्दुल मजीद।